हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन की रिमांड में भेजा है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत से 6 दिनों की रिमांड मिल पाई है। कल गिरफ्तारी हुई थी हनीप्रीत की, और उसके बाद आज पंचकुला की अदालत में हनीप्रीत को पेश किया गया। हरियाणा पुलिस ने अपनी तरफ से 14 दिनों की रिमांड की मांग रखी थी, लेकिन पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जो दिन मुकर्रर किए हैं वो हैं 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है हनीप्रीत को। और इस दौरान कई सवालों के जवाब हनीप्रीत से जानने हैं पुलिस को, और कई गंभीर आरोप लगे हैं हनीप्रीत पर, उसके बारे में भी पूछताछ लगातार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 38 दिनों तक हनीप्रीत फरार रही तो वो कहां थी और पुलिस से वो कैसे बचती रही। हनीप्रीत की 6 दिन की पुलिस रिमांड पर वकील का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बहुत ज्यादा वो हताश थी और बड़ी उसके चेहरे पे भी जो है बड़ी उदासी छाई हुई थी। तो जिस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहती हैं, तो हनीप्रीत जी ने कहा कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं और इस मैंने किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची है। मैं तो बाबा जी के साथ जो है सिर्फ इस नियत से आई थी कि बाबा जी यहां से बरी होंगे और सेलिब्रेशन करते हुए हम अपने डेरा में वापस जाएंगे। पुलिस कहां लेके गई? अभी पुलिस उसको 6 दिन के रिमांड पे लेके गई है। डॉक्यूमेंट अपने पेश किए, आर्गुमेंट की, उसमें ये बात कही है कि हनीप्रीत जब 25 तारीख को घटना की बात जो बता रहे हैं, पंचकुला कांड की बात बता रहे हैं, उसमें वो हनीप्रीत तो बाबा जी के साथ थी, गुरु जी के साथ थी, वो तो वहीं कोर्ट में भी थी उनके साथ, जीप में भी उनके साथ थी, चोपर में भी उनके साथ थी, सुनारिया जेल में भी साथ थी। तो किस तरह से उसने घटनाओं को अंजाम दिया, किस तरह से कंस्पिरेसी की, ना वो कर सकती है। हनीप्रीत ने, डेरा सच्चा सौदा ने ऐसे कुछ ऐसे महान कार्य किए हैं जिनमें लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, ब्लड डोनेशन करना, पुलिस ने कहा फोन मोबाइल रिकवर करनी है, मोबाइल फोन रिकवर करना है, और जिन लोगों को अरेस्ट करना है, जिन लोगों ने इसको शरण दी है, रखा है अपने पास रोका, उनको गिरफ्तार करना है, और ये सारी बातें कही, उनकी गिरफ्तारी करनी है और ये सारा करना है।